हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है। 5 वर्ष पहले पी की आयु और 5 वर्ष बाद क्यू की आयु का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद पी की आयु और 5 वर्ष पहले क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा, अगर पी की आयु अपन अगर पी की आयु अगर 7 अक्ष मान रहे हैं और क्यू की आयु 5 अक्ष मान रहे हैं, तो 7 अक्ष माइनस 5 वर्ष पहले, मतलब 7 अक्ष माइनस 5/5 अक्ष प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। तो ये हो जाएगा 7 अक्ष माइनस 5 बराबर 5 अक्ष प्लस 5, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 5, अक्ष बराबर है 5। तो अपन अक्ष बराबर अगर 5 रख रहे हैं इनमें, तो ये हो जाएगा 7 × 5 + 5/7 × 5 - 5। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 = 40, 40/7 × 5 = 35 माइनस 7 × 5 नीचे है 5 × 5 - 5, तो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 20। इनका अनुपात हो जाएगा 2:1, मतलब 2:1। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 14 सीमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार मैदान के परित तार की बाड़ लगाई जानी है, तो तार की लंबाई, अर्धवर्त की परिधि हो जाएगी 2πr की जगह हो जाएगी πr + 2r, r आ जाएगा कॉमन, पाई प्लस 2 आ जाएगा अंदर, तो पाई, इसका r का मान कितना है? 14, कोष्टक पाई का मान 22/7 + 2, तो हो जाएगा 14 × नीचे आ जाएगा इनका लघुत्तम 14, और 14 और जोड़ देंगे 22, 22 के अंदर 22 के अंदर 4, 22 के अंदर अपन 22 के अंदर 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। नीचे आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 7 और ऊपर आ जाएगा 36, 14 × 36/7, तो 14 7 से चला जाएगा 2 बार, 36 × 72 मीटर तार की आवश्यकता होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, 3500 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, उस राशि पर कितने समय में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 होगा? 358.75 कितने समय में होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, 5%, तो 3 5% मतलब 3500/100 × 5% अपन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 0 से 0, 35 × 5, 35 × 5 25 का 5 हासिल की 2 5 15 2 17, 175, तो ये कितना है? 358.75/175 ये आ जाएगा 10.25, 10.25 मतलब 1 साल का 5 है, फिर दूसरी साल का 5, 5 + 5 + 5 × 5/100, तो हो जाएगा 10.25 मतलब 2 साल का ब्याज है। आगे देखिए स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन, यदि 25 अक्ष की घात 3 बराबर 1600 है, तो ये कितना है? 25 अक्ष की घात 3 बराबर 1600, तो अक्ष की घात 3 बराबर 1600/25, अक्ष की घात 3 बटा 1600/25, 1600 में 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 64, अक्ष की घात 3 बराबर 64, तो अक्ष बराबर आ जाएगा 8, अक्ष बराबर 4,
अक्ष बराबर चार, चार चौक 16, 16 चौका 64। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है, एक व्यक्ति ने दो कार्मिक छूट प्राप्त करने के बाद वही पुस्तक 693 में खरीदी। यदि पहली छूट 12% थी तो 900 का पहले 12% निकाल लेते हैं, 900 इंटू 12 बटा 100, 20 से 20, 12 नाम है 108, मतलब 900 में से अपन 108 घटा देंगे पहले, तो 900 में से 108 घटा देंगे, 900 में से 108 तो ये ज्यादा जाएगा 792, 792 तो 792 माइनस 693, 792 माइनस 693 मतलब 99, अपन को और माइनस करना है, 99 बटा किस पे हो जाएगा 792 पे इंटू 100, तो इन सबको काटने पर आएगा 12.5% की दूसरी छूट। आगे देखिए स्टूडेंट छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा 44.99, तो 44 की जगह अपन लिख लेंगे 45 भाग, 8.99 की जगह आ जाएगा 9 प्लस 23.99 की जगह आ जाएगा 24 भाग, 11.98 की जगह आ जाएगा 12 प्लस 8.00 की जगह आ जाएगा 8.000 की जगह आ जाएगा 8 इंटू इंटू 1.99 की जगह आ जाएगा 2, तो 45 में अपन 9 का भाग देते हैं तो 5 प्लस 24 में 12 का भाग देते हैं, 2 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, 16 और 7, 16 और 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23। आगे देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 9, बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 27 दिन में, तीनों का लघुत्तम 54, 9 6 54, 18 3 54, 27 2 54, ए बी सी मिलकर, तो ये है ए और बी की स्पीड है 3, बी और सी की है 2, सी और ए की है, तो अपन काम को डबल कर लेते हैं, काम 54 की जगह हो जाएगा 108 बटा, स्पीड तो डबल ही है, 6 3 9, 9 और 2 11, 108 के अंदर अपन 11 का भाग देते हैं तो 11 नाम है 99, 11 नाम है 99, कितना बचा 9 बचा, 9 सही 9 बटा 11 दिन। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, एक धनराशि चार व्यक्तियों के बीच ए बी सी और डी, ए बी सी और डी 4:7:9:3 के अनुपात में विभाजित की, बी सी को बी से 800 रुपये अधिक, 800 रुपये अधिक किसको मिले, सी को बी से अनुपात में कितना अधिक मिला, 2 अधिक, 800 बटा 2, तो क्या पूछ रहा है, डी को प्राप्त होने वाली राशि तो 3, 800 में 2 का भाग दिए 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 थी 1200 रुपया डी का। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 57 95 211 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, 57 95 और 211, तो पहले अपन इसको निकाल लेते हैं, इसका वैसे वैसे निकाल लेते हैं, तो 57 95 और तो दो ऐसी संख्या होगी, दो ऐसी संख्या होगी, 57 में 2 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, 95 में 2 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, 210 में 2 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। आगे देखिए दसवां क्वेश्चन, दो सहोदरों की आयु का अंतर 7 वर्ष, 7 वर्ष तो उनका आयु का अंतर मतलब अक्स माइनस वाई बराबर कितना, 7 वर्ष, और उनकी आयु का योगफल 21 वर्ष, अक्स प्लस वाई बराबर 21, तो छोटे की आयु, छोटे की आयु मतलब इसमें से इसको घटाना है, 2 का भाग देना है, तो 21 माइनस 7 बटा 2 तो 14 बटा 2, तो
उसकी आयु हो जाएगी 7 वर्ष। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।